सर जी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, हरियाणा की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाओ। इतने कमेंट कर दिए आपने कि मैं मजबूर हो गया एक बार फिर से ये वीडियो बनाने के लिए। आप सबका स्वागत है मिशन एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के एग्जाम के बारे में। ये वीडियो मैं पहले भी आपको पेपर बनाकर दिखा चुका हूँ, लेकिन अब इस वीडियो को बनाने का महत्व क्या है कि एग्जाम डेट बहुत पास आ चुकी है। अभी उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या बयान आया है हरियाणा एचएसएससी चेयरमैन का, क्या बयान आया है जिसके अंतर्गत नई एग्जाम डेट क्या आई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो किस बारे में मैं आपको एक बार बताऊंगा, और दिल थाम कर बैठ जियो। या वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है लेकिन मजा आओगे, यह गारंटी है। और आपने फील होगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी आपकी तैयारी में कहां पर आप लैग कर रहे हो। देखो मैं तथ्य के साथ बात करूंगा, मैं आपके साथ कोई थूए मारने नहीं आया कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे ना। तथ्य के साथ बात करेंगे, जो रियलिटी है उसको सामने रख के तोल कर बात करेंगे कि भाई इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा और इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। और एंड में आपको एक एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी भी मैं आपको दूंगा, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी जिस थ्योरी के बिना आप पास नहीं हो सकते अल्टीमेटली। और बहुत छोटी सी थ्योरी है, वो हर एक बच्चे को पता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण बच्चे फेल होते हैं। तो आइए करते हैं शुरू अपनी वीडियो को। हरियाणा सीईटी की तैयारी कैसे करें इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने पहले ही आपके कुछ प्रश्न लिख दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, देखो सभी बच्चों को पता है हरियाणा सीईटी का एग्जाम, देखो बच्चों समझो पहले सारे बच्चे इस बात को, सभी बच्चों को पता है हरियाणा सीईटी के एग्जाम में 95+5 की का सिस्टम है। 95+5 का सिस्टम है मतलब 5 तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से आएंगे नंबर आपके, और 95 नंबर का आपका पेपर होगा, या फिर आप परसेंटेज में इसको तोड़ सकते हो कि जितने भी नंबर का पेपर होगा उसका 95% आपको एग्जाम करने को मिलेगा, और 5% जो नंबर है वो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाओगे। तो अल्टीमेटली हम यू मानना कि भाई 95 नंबर, 95 अंकों का, हम ये मान के चलते हैं कि भाई 95 अंकों का, देखो सारे बच्चे हम ये मानते हैं कि भाई 95 अंकों का आपका एग्जाम आएगा, जिसके अंदर हम ये भी मान लेते हैं कि एक अंक का एक प्रश्न आएगा। अब तक कुछ ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है फाइनली, याद रखना अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि एक नंबर का एक प्रश्न आएगा और 95 अंकों का पूरा एग्जाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें 95% पेपर में देखने को मिलेंगे, ये बात हम कह सकते हैं, ये बात तो नॉर्मल सी है। अब यहां पर जो मैंने ऊपर सबसे पहले बात लिखी है कि 75+ अंक कैसे प्राप्त होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं ये तो हमारा प्रश्न है ही नहीं। आप कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे प्रश्न लिखे लेकिन ये तो हमारा प्रश्न है ही नहीं, 75+ अंक प्राप्त तो हो ही नहीं सकते। जो बच्चे दिमाग में सोच रहे हैं या बाद में कमेंट करेंगे, तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि 95+ अंक अगर प्राप्त नहीं हो सकते तो हरियाणा सीईटी की तैयारी करना छोड़ दिए, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि इतने अंक आए बिना आपका सिलेक्शन होना भी मुश्किल है। मैं ना तो ये कहता कि हरियाणा वाले कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे, ना मैं ये कहता कि डी ग्रुप के लिए इतने नंबर, सी ग्रुप के लिए इतने नंबर, मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से, जनरल से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेरे को नहीं पता, कट ऑफ जो होगी अलग बात है, लेकिन जिस बच्चे के 75+ अंक है या 75 के आसपास भी अंक है जैसे कि 73, 74 या 75, वही बच्चा सर्वाइव कर सकता है अन्यथा नहीं। यकीन मानना इससे तड़े अगर आपके नंबर है, अगर 70 के अलावा भी नंबर है तो मैं नहीं कहता कि आप पास हो जाओगे, जनरल कैटेगरी से हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो यकीन मानियो अगर ये आपका प्रश्न नहीं है तो बना लो कि 75+ अंक कैसे आएंगे। अगर ये आपका प्रश्न नहीं भी है तो भी इस प्रश्न को बना लो अपना प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या क्या पढ़े, सबसे बड़ा प्रश्न आज के डेट में। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम का जो सिलेबस है, देखो सारे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं मैं उनको भी बता दूं, कोई सर्च करता हो गूगल पे तो मैं ये बता दूं कि सिलेबस फिक्स नहीं है। अब तक कोई सिलेबस एचएसएससी द्वारा या एनटीए द्वारा बताया नहीं गया, एनटीए जो अपनी एग्जाम लेगी उस एजेंसी का नाम है, उसके द्वारा कोई सिलेबस अब तक निर्धारित नहीं किया गया कि भाई ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से आपका एग्जाम जो है वो होगा। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है, दूसरी बात उस एग्जाम का सिलेबस फिक्स नहीं है, तो आप एक ऐसे शेर का शिकार करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसकी हाइट कितनी है, वो कितना खूंखार है, कितने आदमियों को वो खा चुका है। तो कहने का मतलब ये है सिलेबस फिक्स नहीं है, आप अंधेरे में तीर मारने जा रहे हो। तो जब सिलेबस फिक्स नहीं है तो उस लिहाज से हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हमारा डिस्कशन यही होने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि सर जी एग्जाम कब होगा, तीसरा क्वेश्चन एग्जाम कब होगा, जो कि अभी तक फाइनल डिक्लेयर, देखो फाइनल डिक्लेरेशन हम जब मानेंगे जब एचएसएससी की साइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिस आ जाए कि फलानी फलानी डेट को पेपर होगा, ये बात। दूसरी बात मैंने अपने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आपको कहा था कि
कि भाई अपने जो चेयरमैन साहब है उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई है कि एग्जाम 100% कब होना तय है। तो मैं आपको बता दूं अगस्त के महीने में, देखो भाई ये मैं कहीं से सुनी बातें नहीं है, ये खुद उनका बयान है कि अगस्त के महीने में 110% हम एग्जाम ले लेंगे। लेकिन उनका बयान 110% सत्य है या नहीं वो तो भाई अगस्त आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा सत्य है, सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे मतलब की बात क्या, अभी पीछे थोड़े दिन पहले जून की बात भी चल रही थी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। तो अगस्त, अगस्त में अगर एग्जाम होगा, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मई में, और मई की भी आज 27 तारीख है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मई भी लगभग खत्म हो लिया है, जून जुलाई बीच में सिर्फ 2 कंप्लीट मंथ है आपके पास। मैं कहता हूं अगस्त की स्टार्टिंग में पेपर हो जाए, अनुमान का समय अगस्त की स्टार्टिंग में पेपर होता है और यो महीना तो निकल गया। जो बच्चे जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से अपने दिन फड़ा लो, मैं इस वीडियो को 27 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो आज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो नॉर्मली मोटा मोटा आपके पास 2 महीने पूरे के पूरे पड़े, और 2 महीने पूरे के पूरे पड़े हैं, सिलेबस फिक्स नहीं है, इतने क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 75+ अंक लेने जरूरी है, तो कैसे होगा, कितना बड़ा प्रश्न, देखो कितना बड़ा प्रश्न होगा कैसे। तो सर जी इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको द एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस क्लास के, लेकिन इसके दो, इस वीडियो में बताई गई सारी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैं आपको एक नया ओवरव्यू देने वाला हूं अपने सारे चैप्टर्स, सारे सिलेबस के बारे में, सॉरी चैप्टर्स नहीं सिलेबस के बारे में, मैं आज आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जिस चीज को हम पढ़ना चाहते हैं हम उसी को पढ़ते हैं। ये बात तो आपको पता होगा, इसमें तो कोई दोराय है नहीं कि भाई मेरा मन करता है कि मैं पॉलिटी पढ़ूं तो मैं पॉलिटी पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक रहता हूं, और आप भी इस बात को जानते हो कि आपने पॉलिटी कितनी बार पढ़ी है और इकोनॉमिक्स कितनी बार पढ़ी है। अगर आपने इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ी है तो पॉलिटी आपने 4 बार पढ़ी होगी, ये पक्की बात है। इसके पीछे सीधा सा ये लॉजिक है कि इंटरेस्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है ना, जिसमें हमें मजा आता है पढ़ने में, हम वो चीज ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ में चले जाओ, मैथ में जब आप जाओगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर और एक कह सकते हो आप पार्टनरशिप का चैप्टर, एक पार्टनरशिप का चैप्टर, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, तो मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चे ज्यादा बार किसको करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्यों, क्योंकि वो करने में आसान है, इंटरेस्ट बन जाता है। जो पार्टनरशिप का है वो बहुत कम बच्चे करते हैं और इतना टीचर साहब को कराते भी नहीं, तो वहां पर इंटरेस्ट की बात है। तो अभी हम आज जो एनालिसिस करेंगे वो इंटरेस्ट के ऊपर करेंगे कि किन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिनमें आपका इंटरेस्ट है अगर उनको अच्छे से पढ़ोगे तो कितने नंबर आएंगे, और जिनमें इंटरेस्ट नहीं है उनमें से किन किन को छोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा क्या ना पढ़े, याद रखना क्या पढ़ने से जरूरी ये भी है कि क्या ना पढ़े, अगर इररिलेवेंट पढ़ते चले जाओगे, ऐसी चीजें करोगे जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, तो क्या फायदा। तो उन सारी बातों पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक चल रही है, हाँ ठीक है, तो देखो करते हैं अपनी वीडियो को आगे चलाते हैं थोड़ा सा। देखो तो मैंने यहां पर पहले से लिख रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्या है कि यहां पर हम लिखेंगे जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, यहां पर हम लिखेंगे पहली बात, दूसरी बात नॉट इंटरेस्टेड, आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता, जिस प्रकार सास भी कभी बहू थी उसी प्रकार मैं भी कभी स्टूडेंट था आपकी तरह, तो मेरे को पता है किस सब्जेक्ट के अंदर है, किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता, और वहां पर से कौन सा सब्जेक्ट उठा के आपको इंटरेस्टेड बढ़ाना है सिलेक्शन के लिए। तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखो सारे बच्चे इंटरेस्ट, यहां पर देखो सारे बच्चे इंटरेस्ट, जिन सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो हम उनके बारे में बात करते हैं, जिनको पढ़ने में आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, अच्छा फील होता है अंदर से, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा किस में आता है। तो हम अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट है अपना हिंदी, एक सब्जेक्ट अभी अपना हिंदी, यहाँ पर इंटरेस्ट, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में एक शब्द और यहाँ पर लगा देता हूँ आसान, यहाँ तक ये जो शब्द है ये किसी बच्चे को अनुचित फील हो सकता है इस केस में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मैं ऐसे लिखने वाला हूँ जिसमें इंटरेस्ट तो बन जाएगा लेकिन वो आसान नहीं होते आपकी नजर में। तो यहाँ पर आप देखते जाओ, ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे जो कि आसान है इसलिए इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, टाइम नहीं लगता, आराम से आप कवर कर लेते हो। तो यहाँ पर ये अपना एक सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ में एक सब्जेक्ट और है हरियाणा जीके, हरियाणा जीके जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा हरियाणा जीके के साथ में मैं यहाँ पर करंट अफेयर भी लिख रहा हूँ, इसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हरियाणा जीके आप करते हो डेली, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपका अच्छे तरीके से, डेली करते हो तो आपको फील होता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है,
वो इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा सर जी, ये सारी चीज लिखने के बाद क्या हो जाएगा? ये सारी चीज लिखने के बाद मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा कि इसका वेटेज कितना है और नोट इंटरेस्टेड का वेटेज कितना है, और यहां से हमने कितनी चीजें ग्रैब करके यहां पर लेके आनी है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा जी के प्लस करंट अफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी, हरियाणा जी के करंट अफेयर, उसके बाद और क्या है, एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। जब आप पढ़ने बैठते हो तो मजा आता है कि नहीं बताओ? मजा आता है कि नहीं बताओ? हाँ सर जी मजा आता है। और मैथ, अरे सर जी इसको करने में कहां मजा आता है? आता तो है, तुम डेली आते हो लाइव, मजा आता है इसको करने में, ठीक है। अभी बात करेंगे मैथ की क्लास के बारे में भी, कुछ दिनों से मैथ की क्लास भी अपनी डिसकंटिन्यू है, आगे हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो हिंदी, हरियाणा जी के रीजनिंग और मैथ, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? हिंदी, हरियाणा जी के करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, और इसके अलावा हमारे पास देखो, अगर मैं जीएस में देखूं, अगर मैं देखूं जीएस में, इसमें हाँ अगर मैं देखूं जीएस में, तो जीएस में, जीएस में अपने पास क्या क्या है? देखो जीएस में अपने पास क्या क्या है, जीएस में हमारे पास क्या है? जीएस में हमारे पास सबसे पहले क्या है? पॉलिटी। देखो ये वो सब्जेक्ट है जहां पर हमें मजा आता है। पॉलिटी मतलब के संविधान, जो आप पढ़ते हो ना संवैधानिक विकास, अपना संवैधानिक ढांचा जो पढ़ते हो, पॉलिटी, उसमें आपको मजा आता है करने में। हिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आता है, हिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आता है। ये वो चीजें हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अब तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया है इनके बारे में, अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे सर जी सच्ची इतने नंबर आ जाएंगे, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप देख पा रहे हो सारी चीजें, ओके रिपोर्ट है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये तो हो गए सहले सहले सब्जेक्ट, या कह सकते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ते टाइम। तो देखो 1, 2, 3, 4 और जीएस के अंदर सारी चीजें आ जाती है, तो 5 सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। यहां पर जब मैं बात करता हूं नोट इंटरेस्टेड की, तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको मजा नहीं आता पढ़ने में, जिनको आपको पढ़ने में मजा, अच्छा यहां पर आप कोई बच्चा अपने हिसाब से ज्योग्राफी भी लिख सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने लिखी नहीं, ज्योग्राफी आपके हिसाब से थोड़ा सा मतलब देख लेना, जिस बच्चे को यहाँ पर इंटरेस्ट आता है इस कैटेगरी में लिख सकता है, नहीं आता तो इसमें लिख सकता है। अच्छा लिख सकता है का मतलब सर जी लिखने है क्या? ये बिल्कुल लिखने है, इनको लिख के अपने सामने जहां पर आप बैठते हो पढ़ने के लिए चिपका लेना, ठीक है, आपके काम आएंगे। देखो सारे बच्चे, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जीएस का ही है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। मैंने आज की वीडियो में आपको पहले हिंट भी दिया था कि इकोनॉमिक्स में बच्चों को कम इंटरेस्ट आता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ठीक हो गया। दूसरी बात कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है। यहाँ पर भी थोड़ी सी विवाद वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर जी हमें तो मजा आता कंप्यूटर पढ़ने में, ठीक है, लेकिन मैं इसको नोट इंटरेस्टेड वाले, अच्छा ये नोट इंटरेस्टेड एग्जाम के लिए नहीं है, कभी सोचो कि नोट इंटरेस्टेड का मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सोच का मैं तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे सोच सकते हैं इस बारे में, ठीक है ना। उसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स होगी, कंप्यूटर हो गया, उसके साथ में और कौन सा सब्जेक्ट है उसके साथ में? हाँ एक और, इंग्लिश, इसको तो पक्का हो गया, हाँ सर जी इसमें तो इंटरेस्ट नहीं आता और इसमें भी नहीं आता, ये पक्की बात है। यहाँ पर थोड़ा सा मामला हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता। और एक चौथा सब्जेक्ट गैस करो कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही बोले, साइंस। साइंस ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो नॉन मेडिकल जो साइंस के बच्चे हैं उनको तो मजा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने चीजें पढ़े रखी है, लेकिन जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर पढ़ने में, ठीक है। तो अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, अब है मेन, अब आया है निचोड़ वीडियो का। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बाइफर्केशन दिखाया है, यहां पर आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, जीएस की करंट अफेयर यहां पर आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि ये जो करंट अफेयर थी ये तो हरियाणा से संबंधित थी, और ये करंट अफेयर है ये जीएस, मतलब कि आप मान सकते हो कि नेशनल करंट अफेयर है, पूरे भारत की जो करंट अफेयर बनती है वो है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर हम बात करते हैं बाइफर्केशन की, मार्क्स की, कि भाई कितने कितने नंबर बैठेंगे, कितने कितने नंबर बैठेंगे। अब यहां पर चाहे आप इनको नंबर मान लेना, चाहे इनको नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लेना, जैसे कि हिंदी की अगर बात करूं तो 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 95 को हम अब यहां पर बायोफ्रकेट करने जा रहे हैं, तो सबसे अधिक से अधिक आपको 5 से 10 यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है सर जी। हरियाणा जीके में आपको पता है हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर, हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर के आपको 23 से 25 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर के आपको 23 से 25 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। चूंकि मैंने करंट अफेयर इसमें मिला दिया इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी 25% पोर्शन एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या कहा है कि 25% पोर्शन क्या आएगा हरियाणा जीके का आएगा, तो 95 का जब आप 25% निकालोगे तो लगभग 24 के आसपास ही आता है, इसलिए मैंने 23 से 25 कर दिया, उसके अराउंड ही रहने वाला है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 8 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग की अगर बात करें तो 8 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके रिपोर्ट है। उसी प्रकार अगर मैथ की बात करें तो इसमें भी 8 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वो चीजें जो स्टैंडर्ड चीजें जहां से
ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मतलब ये चीज फिक्स है। अगर इसमें एक कम आया तो इसमें ज्यादा आएगा, इसमें दो ज्यादा आ गए तो इसमें दो कम आ जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली इनका ओवरऑल जो वेटेज है वो सेम रहने वाला है, इनका ओवरऑल वेटेज जो है वो सेम रहने वाला है। जिसके अंदर ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसके अंदर मैं कहता हूं आपको नंबर कटवाने ही नहीं है। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, अब हम टू द पॉइंट जा रहे हैं, बिल्कुल जो मेन बात है वहां पर जा रहे हैं। अब आपको ये धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी कि सर किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। इन दो सब्जेक्टों के अंदर तो आपको नंबर कटवाने ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटवा, हरियाणा जीके में और हिंदी में एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, तो सेम चीज मैं इसमें भी कवर कर सकता हूं कि रीजनिंग में आपको एक भी नंबर नहीं कटवाना। अच्छा मैथ की मैं क्यों कह रहा हूं, सुनो सारे बच्चे, मैथ में नंबर कटवाना एक या दो अलाउड है, मैथ में एक या दो नंबर कटवाना अलाउड है, इससे ज्यादा नंबर कटवाना अलाउड नहीं है। अगर वो सपना देखा है, अगर 75 प्लस वाला सपना देखा है, अपनी खुशी का सपना देखा है, जिंदगी में कुछ करने का सपना देखा है, तो 75 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, हरियाणा सीटी में स्कोप नहीं। मैं बता रहा हूं पहले आपको, आप कहोगे सर जी ये क्या हो गया, कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर अभी तक मैंने इसका कोई नंबर नहीं लगाया, इनके कोई नंबर नहीं लगाए हैं। अब यहां पर हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि इनके नंबर अगर टोटल करें तो कितने हो जाएंगे, इनके नंबर अगर टोटल करें तो कितने हो जाएंगे। हिंदी के 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं 7 क्वेश्चन, हमने एवरेज मान लिया 7 क्वेश्चन, इसके एवरेज मान लेते हैं 24 क्वेश्चन। देखो रीजनिंग में तो 10 प्लस आने ही आने हैं, पक्की बात है, तो हम इसके 10 क्वेश्चन मान लेते हैं। अच्छा मैथ में 8 से 11 मैंने लिखे, इसके भी लगभग 10 के आसपास, या फिर मैं कहता हूं 11 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के लगभग सेम ही आने वाले हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ 10 प्लस के आसपास आपको पक्का मिलेंगे रीजनिंग के भी और मैथ के भी। तो यहां पर जब हम इनका टोटल करते हैं तो देखते हैं कितने बढ़ते हैं। देखो 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का हासिल बचा 1, 3 4 5, तो यहां पर आप देख रहे हो 52। अब देखो ध्यान से एक बात है, 52 क्वेश्चन का मतलब क्या है सर जी, 52 क्वेश्चन का मतलब ये है, आपने अब तक देखो कितनी चीजों को नहीं छेड़ा, आपने अब तक हरियाणा जीके को छोड़ दूं तो सेंट्रल जीके को अब तक आपने छेड़ा नहीं है, सेंट्रल जीके को अब तक आपने छेड़ा नहीं, इंग्लिश को आपने छेड़ा नहीं, साइंस को आपने छेड़ा नहीं, कंप्यूटर को आपने छेड़ा नहीं, लेकिन आपके पेपर में आपको 52% ऐसे दिख रहे हैं जो उन सब्जेक्ट से आएंगे जो सब्जेक्ट आप रोज डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो। अब यहां से अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये आएगा 52, ये आएगा 52, बोलो यस, ये आएगा 52, बोलो यस। और देखो सारे बच्चे ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं, ये का टोटल कितना आया 52 है। अभी हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, मैंने कहा था ना कि तथ्य के साथ बात करेंगे, काम का बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, तथ्य के साथ हम बात करेंगे। हाँ तो यहां पर देखो आप ध्यान से, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, अगर मैं पॉलिटी या फिर इकट्ठी बात कर लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट की, सॉरी अगर इकट्ठी बात कर लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट की, तो इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो तीन चार क्वेश्चन तो आने वाले ही है, पक्की बात है, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं, तो हम एवरेज मान लेते हैं तीनों से मिलाकर लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आ जाएंगे, तीनों से मिलाकर पॉलिटी से, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। अच्छा यहां पर ये जो करंट अफेयर है ना, मैंने अब तक इसको इंक्लूड नहीं करा, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर से आपको 6 से 7 क्वेश्चन दिखेंगे, या 8 मान लो, 6 से 8 क्वेश्चन आपको सेंटर की करंट अफेयर, सेंटर की नेशनल करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का रोल बढ़ने वाला है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर आपके नंबर काट कहां सकता है, ऐसे जगह से काट सकता है जो एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल होता है, जैसे कि लुसेंट की बुक उठाओ जीके जीके है, है ना, हरियाणा की कोई बुक उठाओ हरियाणा जीके भरी पड़ी है, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इसलिए आपके एग्जामिनर नंबर कहां काट सकता है करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर के 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं देखूं 6 से 8 मैंने लिया, यहां से मैं 7 क्वेश्चन मान के चलता हूं कि भाई 7 क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, ठीक है, 13 से 14 मैंने यहां पर लिए, तो मैं इसको कम से कम 13 मान लेता हूं, ताकि राउंड फिगर हो जाएगा। यहां पर आए आपके 20, कितने आए 20 आए, तो जब मैं इसमें ये 20 ऐड करता हूं, मैंने इसमें ये 20 ऐड कर दिए, तो कितने आए 72, कितने आए भाई 72, कितने आए 72। अब सारे बच्चे देखना ध्यान से, 72 आए, 95 में से 72 क्वेश्चन, 95 में से 72 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे ये खाम खाई बातें हैं, ये खाम खाई बात नहीं है, ये वो कैलकुलेशन है जो आपको अपने बेस पर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको करके दे रहा हूं, तो बढ़िया बात है ना, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा पूरे एग्जाम का। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 23%, मतलब कि 23% आपको यहां से देखने को मिलेंगे, मतलब कि 23% आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ऐसे सब्जेक्ट से जिनको पढ़ने में आपको मजा नहीं आता। अब आप पोजिशन जी, अच्छा 72 क्वेश्चन यहां से आएंगे, इसका मतलब 70 प्लस क्वेश्चन तो यहां से ठीक कर देंगे, नहीं, हर एक प्रश्न आप ठीक नहीं कर पाओगे, गलत भी होंगे, पक्की बात है, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कि सारे सारे नंबर ले लोगे तो आपके सारे सारे ले ही लोगे, ऐसा कोई
जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आप बेहतर ना ले पाओ, मैं कहता हूं आप बेहतर ना ले पाओ, आप राउंड फिगर ले लो, आपने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए लेकिन फिर भी आप 65 क्वेश्चन ठीक कर पाए। लेकिन फिर देखो क्यों कर पाए 65 क्वेश्चन आप ठीक है, हो सकता है ये बेहतर घटकर 50 पर भी आ जाए। कब आएगा? जब आप मन लगाकर इन सब्जेक्टों को नहीं पढ़ोगे। अब यहां पर मैंने 2 कैटेगरी क्यों बनाई है? आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि देखो ये है जहां पर आपको हंगा लगाना है। आप हंगा लगा रहे हो कंप्यूटर में, साइंस में, ठीक है, इंग्लिश में भी बच्चे पढ़ते होंगे जी। देखो इंग्लिश का तो सीधा 15 काम है भाई, मैं बता दूं तुमने, अगर इंग्लिश आवे है, पढ़ रखी है थोड़ी बहुत नॉर्मल बिना इंग्लिश की सेंस पता है क्या होती है, तो इंग्लिश की तैयारी करना, क्योंकि 2 महीने है, 2 महीने वैसे भी तुम इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। और अगर इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, बिल्कुल जीरो, मोटी मोटी बातें पता है, ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, तो फिर इंग्लिश मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, उसको टाइम को डाइवर्ट करना किसी और सब्जेक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, अगर आप कंप्यूटर पर बेकार में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे, नॉर्मल तरीके से अगर पढ़ रहे हो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ लिया है, रिविजन बाकी है, तो ठीक बात है, अब तक कंप्यूटर उठाया नहीं है, तो मोटे मोटे हिसाब से, बहुत हिसाब से आपको कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जहां पर जोर देना वो यहां पर लिखे हुए आपके सामने, ठीक है। अच्छा, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न वो पूछता ही पूछता है। अच्छा, इंग्लिश में तो मैं बताऊं आपके 6 से 8 क्वेश्चन ही बनने वाले, जितने हिंदी में पढ़ रहे हैं कहां गई, 5 से 8, वही 5 से 8 आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन दिखते हैं जितने हिंदी उतने इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स में आपको 3 से 4% देखने को मिलेंगे, कितने, 3 से 4, बाकी जितने परसेंट बचे वो सारे कंप्यूटर और साइंस से आने वाले हैं। वो कहां से आने वाले हैं? कंप्यूटर और साइंस से। अब मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, कि कंप्यूटर और साइंस, मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर और साइंस ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं। मैंने क्या कहा था कि कुछ सब्जेक्ट नोट इंटरेस्टेड सेक्शन में ऐसे होंगे जो ग्रैब करके आपको इंटरेस्टेड वाले सेक्शन में लेके आने पड़ेंगे, ये उन्हीं सब्जेक्टों का नाम है, एक तो कंप्यूटर और एक साइंस, ये आपको ग्रैब करने हैं यहां से उठा के, इसके अंदर थोपने हैं, क्योंकि जब आप यहां से कट मारकर यहां पर पहुंचोगे, जब आप यहां से कट मारकर 72 से 7 गलत करके 65 पर पहुंचोगे, तो 75+ के लिए आपको 10+ चाहिए, 75+ के लिए आपको 10+ चाहिए, और आपके पास क्वेश्चन बचे कितने हैं, 23, आपके पास क्वेश्चन बचे कितने हैं, 23, तो देखो आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ आधे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आधे ठीक करने हैं। इसलिए मैंने कहा था कि नोट इंटरेस्टेड, अगर आप कम भी इंटरेस्ट इन देके मोटा मोटा इनको पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर इन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया और इन सब्जेक्टों को खींचकर इस तरफ लाया गया, इकोनॉमिक्स को तरीके से बताया खराब रही तो इकोनॉमिक्स पेपर में आओगी, नहीं तो इकोनॉमिक्स पेपर में नहीं आया करेगा इतनी आपके लेवल तक, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गणित गणना आ गया, अगर वो नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मार दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर नंबर बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं, जहां पर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, एटलीस्ट आप उन सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी। अब यहां पर अगर आप इसका इस 23 का आधा कितना होगा, 11 मान लो, 11 भी अगर आपने ठीक कर दिया तो 11 अगर इसमें ऐड कर दें तो 76 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। ये मिरेकल नहीं है, ये जादू नहीं है, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक स्मार्ट थिंकिंग है, आप ये कह सकते हो कि हमने पूरे एग्जाम का एनालिसिस कर लिया कि कहां से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उस हिसाब से आपको क्या पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, कौन सी वाली, कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमने ध्यान देना है, हिंदी पर ध्यान देना है, हरियाणा जीके पर, उसके करंट अफेयर पर, रीजनिंग पर, मैथ पर, जीएस में, मेन किस पर ध्यान देना है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर, और कंप्यूटर और साइंस को खींचकर लाना है इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। इसलिए आप इनको अलग से थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, सुबह 1-2 घंटा ज्यादा या शाम को 1-2 घंटा ज्यादा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पूरे एनालिसिस की, हम एग्जाम को कैसे करेक्ट करेंगे उसकी बात है। एक और बात करते हैं, आ जाओ एक बात और करते हैं। मैंने क्या कहा था, एग्जाम करेक्टिंग थ्योरी आपको मैं दूंगा, एग्जाम करेक्टिंग थ्योरी, और इसके लक्षण भी बताऊंगा मैं आपको कि एग्जाम करेक्टिंग जो थ्योरी है वो बच्चे फॉलो करते हैं, वो बच्चे फॉलो करते हैं, और जो बच्चे फॉलो नहीं करते उनके साथ होता क्या है, एग्जाम से पहले ही आपको बताऊंगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये थ्योरी एक्चुअल में है क्या। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब भी अपनी तैयारी शुरू करी, उस तैयारी शुरू करने के बाद, जैसे मान लो आपने कंप्लीट पॉलिटी पढ़ ली, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने कुछ भी पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वो सारी चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ दी, हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप पॉलिटी पे चले गए, पॉलिटी करते करते किसी ने आपसे हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ लिया और आप हो गए पढ़ा तो था यार लेकिन याद नहीं आ रहा। देखो ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना आप, कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, और सेम सिचुएशन एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पढ़ा, देखा वो लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पता कि इसका उत्तर क्या है। तो याद रखना वो सिचुएशन कब बनती है, जब आप एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं इसको फॉलो नहीं करते।
एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी के दो पिलर है, एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी के दो पिलर है, पिलर नंबर वन पिलर नंबर टू, पिलर नंबर वन पिलर नंबर टू। पिलर नंबर वन क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आप घबराओ मत कि ये क्या थ्योरी है सर जी क्या बता रहे हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहली चीज है रीडिंग या लर्निंग मान लो, कुछ भी कर लो, रीडिंग रीडिंग जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन का, जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन का 5% भाग है। क्या सर जी? 5% भाग। मतलब सर जी हम जितना याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, क्या वो सिर्फ 5% है? हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो सर जी ऐसी कौन सी चीज है जो 95% है और हम नहीं कर रहे? देखो जो बच्चा कर रहा है वेरी गुड, अभी मैं बताऊंगा वो क्या है, लेकिन जो बच्चा नहीं कर रहा अभी आपको पता लग जाएगा आपके फेल होने का रीजन क्या है। सच्ची बताऊं, लिटरली मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूं, और जहां जहां मेरे को लैग मिली है लाइफ में कि भाई यहां पर कमी हुई कुछ, यहां पर कुछ कमी हुई, वो कैसे दूर हुई, कैसे क्या रहा, वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है, इस थ्योरी के ऊपर। तो पहला पिलर रीडिंग, या फिर मान सकते हैं कि लर्निंग, कि हम जब सीख रहे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम हड़प्पा सभ्यता को सीख रहे हैं, हमने सीख लिया, हमने पढ़ लिया, हमने नोट्स बना लिए, ठीक बात है। दूसरी चीज जो 95% जो हमारा काम करेगा वो क्या है? वो है रिवीजन। क्या है साहब जी? वो है रिवीजन, जो अधिकतर बच्चे नहीं करते। अब आप कहोगे सर जी इतनी हाइप बना दी एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी की, रिवीजन तो हमें वैसे ही पता थी कि रिवीजन करनी होती है, पता तो थी लेकिन कर नहीं रहे। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के छोड़ दिया और दो महीने के बाद उठा के दोबारा से एक बार उसको पढ़ रहे हो ना, वो फिर से आपको नया लगेगा और आपको लगता भी है, बिल्कुल नया लगेगा कि सर जी तो हमने ऐसा लग रहा कि पहली बार पढ़ रहे। रिवीजन से मेरा मतलब क्या है? रिवीजन के कुछ रूल होते हैं साहब जी। रिवीजन का सबसे पहला रूल जो आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में कोई भी एग्जाम उठा लेना, चाहे यूपीएससी उठा लेना, आप फेल नहीं हो सकते। रिवीजन का सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट हम कह सकते हैं सेम डे रिवीजन, या फिर डे रिवीजन में लिख रहा हूं इसको, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना डे रिवीजन। ये डे रिवीजन क्या है सर जी? मान लो आपके जो पढ़ने की टाइमिंग है वो 9 से 5 है, हम मानते हैं कि आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइब्रेरी में या घर में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें आपको अपने 9 से 5 टाइमिंग को अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं 9 से 5 टाइमिंग को कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप इस टाइमिंग को सेफ रखो, 5 से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो बस, या फिर रात को 1 घंटा निकाल लो, सोने से 1 घंटा पहले आप 1 घंटा निकाल लो अपना। और उस 1 घंटे में क्या करना है, जिस सेम डे आपने जो चीज पढ़ी है सुबह से लेकर शाम तक, उन सारी चीजों का एक तोड़ रिवीजन मार दो। रिवीजन मारोगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। देखो आप मैथमेटिक्स का रिवीजन तो नहीं मार सकते, मैथमेटिक्स का आपको दिन में प्रैक्टिस कर रखी है, दोबारा से थोड़ी सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्टिव जो अपने जो मतलब के लिखने के जो है, जो याद करने के सब्जेक्ट है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप उनकी 1 घंटा एक रिवीजन मार सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड रिवीजन, देखो रिवीजन का रोल 95% है, इसलिए यहाँ पर मेहनत ज्यादा है। आप रीडिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग करो, लेकिन डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, डे ये रिवीजन वाला हो गया। सेकंड जो सेकंड चीज है वो क्या है? वो है भाई आपकी वीकली रिवीजन। वो क्या है? वीकली रिवीजन, हफ्ते की रिवीजन। आप सर जी इसके लिए कितना टाइम निकाले? आपका जो वीक है वो 7 दिन का होता है, जिसमें आप 6 दिन मान सकते हो पढ़ते हो, और एक आपका संडे होता है। मैं कहता हूं 6 दिन आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, 6 दिन पढ़ो, डेली रिवीजन रखो उनकी, ठीक है। सातवें दिन जितने 6 दिन में आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर दो। देखो ये थ्योरी आपको लग रही है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत काम कर रहा है साहब जी। जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप पाओगे कि कुछ समय बाद आपको चीजें दिमाग में रिटेन होना शुरू हो जाएंगी, रिटेन बोले तो रुकनी शुरू हो जाएंगी दिमाग के अंदर, कुछ चीजें आपके अंदर रच बस जाएंगी, इस तरीके से बस जाएंगी कि उनको कोई निकाल नहीं सकता। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वीकली रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपको कोई और रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा सर जी क्या फिर मंथली रिवीजन करनी पड़ेगी, आपकी मन है करो तो कर लो, नहीं तो मत करो। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए जब आपका सब्जेक्ट कोई खत्म हो जाए। मान लो आपकी पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी खत्म हो गई, मान लो आपने 20 दिन में या महीने में पॉलिटी को खत्म कर लिया, जब पॉलिटी को आपने खत्म किया तो उसके बाद पॉलिटी का क्विक रिवीजन होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनाकर दूंगा, वो क्या है? वो है शॉर्ट नोट्स। ये जो चीज है ये आपको अपकमिंग वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने की कला क्या होती है, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स का कितना महत्व है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवीजन होगा कैसे। तो
आपके शॉर्ट नोट्स ये इस 95 कैटेगरी में ही आते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि एग्जाम से 5 घंटे पहले या एग्जाम से 1 रात पहले, 1 दिन के अंदर अंदर आपने पूरे जितना सिलेबस जिंदगी में पढ़ा सारा रिवीजन हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए। तो ये था अपना भाई एग्जाम क्रैकिंग थ्योरी। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो मैं आपको और दूंगा जिसके अंदर हमारे जो क्लासेज हैं उनका जो पैटर्न वो चेंज हो गया है। रवि सर की क्लास का पैटर्न भी हम मंडे से चेंज करने वाले हैं, मेरी क्लास का पैटर्न भी मंडे से चेंज होगा, तो उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये कैसी है वीडियो बताना कमेंट करके सारे बच्चे। मैं जितना आपको बता सकता था इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम की पूरी थ्योरी जो हो सकती है उसके बारे में आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मजा आया। अगर बेनिफिट हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। नाम है मिशन एग्जाम क्लासेज। अपने चैनल के ऊपर 2 डेडिकेटेड क्लासेस चलती हैं, एक हरियाणा जीके और करंट अफेयर की मिला के स्टैटिक जीके भी इसमें होती है, रवि सर कराते हैं, बहुत ही बढ़िया क्लास है, आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। दूसरी क्लास जो मैं कराता हूँ जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ ओरिजिनली, लेकिन साथ में कभी कभी आपको रीजनिंग भी करा देता हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी लिंक्स मैंने प्लेलिस्ट में तो सारी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा तो देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट और दोबारा से एक ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।